वालेकुम मेरा नाम है वज़र खामद अख्ल आप देखिए मेरा चैनल वज़र खामद उखर आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि हम लोग हमारी इस कौम एक ये मसला है कि हम जो भी अच्छी चीज़ें हैं हम लोग अपने साथ रखते हैं और हमें दूसरे लोगों के लिए कोई आ, मतलब हमारे दूसरे लोगों के लिए कुछ नहीं होते अल्फाज आम मैं कहता हूँ कि हम दूसरे लोगों को कुछ नहीं देते हैं यानी सारी दुनिया हमारे पास आ जाए लेकिन दूसरों के पास कुछ ना हो तो इस कौम की ये आलमिया है हमारी इस कौम की ये आलमिया है कि हम कहते हैं कि हम बड़े भी हम लोग हों खूबसूरत भी हम लोग हों सब कुछ हमारे पास हो लेकिन दूसरे के पास कुछ ना हो ये एक एक नेगेटिविटी हमारी इस मुल्क में पाया जाता है ख़ास तौर पे इस मुल्क में पाया जाता है बाकी दुनिया में तो नहीं पाया जाता है ये इस चीज़ ने इस मुल्क को तबाह कर बर्बाद कर दिया इस चीज़ ने इस मुल्क को इस आवाम को इस सोसाइटी को खाना ख़राब कर दिया कि हम कहते हैं कि सब कुछ हमारे पास हो हमारे पास कुछ सब कुछ हो किसी और के पास नहीं हो यानी जनती भी मैं हो, बुज़ुर्ग भी मैं बन जाऊं, अमीर भी मैं बन जाऊं, फलासफरी भी मैं बन जाऊं, और यूरो भी मैं बन जाऊं, और सब कुछ बादशाह भी मैं बन जाऊँ वजाराजम भी मैं बन जाऊं यानी जितनी दुनिया के अल्लाह ताला तो ने जितने दुनिया में न्यामतें पैदा किया सब कुछ मेरे पास हो और किसी के पास नहीं हो ये तो बड़ी गलत फहमी है यहाँ पर तो हम मार का लेते हैं यहाँ पर तो हम लोग परेशान हो जाते हैं हम दूसरों को देना हम लोगों ने बंद कर दिया दूसरों से हम लोगों ने ताल्लुक ख़त्म कर दिया दूसरों को हम लोग सलाम भी नहीं करते अगर हमारी मफादात नहीं हो अगर हमारी वो नहीं हो कि हम इस, इस बंदी से मुझे क्या फ़ायदा मिलता है तब मैं सलाम करूँगा सलाम दुआ यानी जो नबी की जो आ, सुनत है नबी की सुनत है अखलाक, अखलाक भी हम लोग उन लोगों से रखते हैं जो हमें हम कहते हैं कि यह हमें क्या दे रहा है तो इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहिए इस चीज़ को बिल्कुल हमारी इस पूरी सोसाइटी ने इस चीज़ को कहाया हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम लोगों को देना चाहिए जब हम लोग देंगे तब आएगा इस्लाम यहाँ से स्टार्ट होता है हम अभी रमज़ान है रोज़े रखते हैं सब लोग रोज़े रखते हैं क्यों रखते हैं अल्लाह ताली का हुक्म है लेकिन हम लोग अभी आप बाहर चले जाओ क्या हालात है हम क्या हमारी महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है वो ठीक है एक अलग बात है कि मुल्क के हालात ख़राब है वो एक अलग इशू है लेकिन हम लोग जारी तौर पर भी, भी बहुत यही चीज़ें करते हैं यानी हम लोग करते हैं कि हम लोग जितने भी दूसरों पर बोझ डालते हैं दूसरों को तकलीफ़ देते हैं दूसरों को यानी महंगाई दिन ब दिन हम लोग बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं कि अगर एक पे चीज़ बढ़ गया हम पाँच पे और बढ़ा देते हैं ताल्लुक इसी इसी तरह से हम उस बंदी से ताल्लुक़ रखते हैं हम कहते हैं हमें क्या दे सकते हैं चाहे वो शख्स हमारे ब्लड रिलेटिव क्यों नहीं हो चाहे वो शख्स हमारे रिश्तेदार क्यों नहीं हो हम कहते हैं कि ये हमें क्या दे सकता है तब मैं इसके साथ ताल्लुक़ रखूँगा ये हमारे इस सोसाइटी का इस मुल्क का ये अंजाम हो चुका है इसीलिए हम लोग हम लोगों को हम लोग को फार्मूला भूल गए कि जिससे बंदा आगे तरक्की कर सकते हैं इस्लाम सबसे पहला हमें यही बताता है कि हम लोगों को लोगों को देना चाहिए अल्लाह के नाम पर लोगों को देना चाहिए अल्लाह के नाम के लोगों के साथ तल्लत रखना चाहिए अल्लाह के नाम पर आप वही काम करें आप हम कौन सा काम अल्लाह के अल्लाह तला के लिए कर रहे हैं हम तो कोई काम भी अल्लाह तला के नहीं कर रहे हैं हम लोग अपने नफ्स के लिए कर रहे हैं आज तक हम लोगों ने कोई ऐसा काम किया नहीं किया अगर हमारा नफ्स राज़ी होता है तो हम लोग वो करते हैं अगर हमारा नफ्स राज़ी नहीं होता है हम लोग वो काम नहीं करते तो सक्सेस फिर कहाँ से मिलेगा नहीं इस दुनिया में मिलेगा ना आखिरत में मिलेगा हमारे की गलत और भी है हम कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर तो हम लोग कर रहे हैं हम अपनी मर्जी चला रहे हैं और हम कहते हैं कि हम रोज़े भी रख रहे हैं हम कहते हैं कि हम लोग जो है ना यानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस्लामी है बहुत ज़्यादा अल्लाह ताली ला की अकाम हम मान रहे हैं लेकिन हम लोग अल्लाह ताली ला के वो एक नहीं मान रहे जो जिनका तालक लोगों के साथ है और हम कहते हैं कि आखिरत में तो हमारे जनत ही होगा अल्लाह आप खड़े पता नहीं वहाँ पर क्या होगा बहुत ही अफसोस की बात होगी तो ये कि सक्सेस का एक चीज़ है कि हम लोगों को लोगों को देखना चाहिए पूरे आप चले जाए पूरे वेस्ट में चला जाए पूरे दूसरे लोगों को देखे जो लोग मुसलमान हैं उन लोगों को लोग लोगों को दे रहे लोगों को दे रहे इसीलिए तो वो लोग आगे तरक्की कर रहे हम लोग बैसीत मुल्क इसीलिए हम लोग पीछे जा रहे हैं कि हम लोग सब कुछ समेट रहे अपने साथ समेट रहे अपने सब कुछ अपने मकनातीज की तरह हम लोगों ने क्या किया मकनातीज लगाया हुआ है और सब कुछ हम लोग अपने साथ ला रहे हम कहते हैं, सब कुछ हमारे पास हो यह नहीं हो तो सकता है तरक्की वहां पर हो सकता है कि अगर आप लोगों की भलाई के लिए बात करें आप लोगों के लिए अपनी चाहे आपका भाई हो आपका दोस्त हो आपका घर में रिश्तेदार हो आपके बाहर के लोग हो अगर आप उनके फलाह बहबूद के लिए सोचेंगे तब अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा वैसा नहीं देगा हाँ कुछ नॉर्मल तरक्की तो देगा जो उसी बंदे के लिए खुद अजाब बन जाएगा तो ये कि हम लोग लोगों को नहीं देखते हमारे वोता है अक्सर इस तरह से मैंने खुद देखे मेरे जो एज है मैंने खुद लोगों को देखे मैंने अपने दोस्तों को देखे एक ज़माने में तो जो मेरे साथ है लेकिन आज वो अलग है मैंने बहुत सी मैंने अपने बहुत से नज़दीकी रिश्तेदारों को देखा है सिर्फ अपनी अपने मफादात भी उनकी नज़ार होती है और कुछ नहीं होती पूरे माशरे का ये माहौल है मेरे लिए की एक चीज़ क्लियर है तो ठीक है नहीं है तो नहीं है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि दुनिया तो दुनिया में भी वो बंदा तरक्की नहीं करता है दुनिया में भी एक नॉर्मल ऑर्डनरी तरक्की कर रहे वो ऐसा तरक्की नहीं कर लेते कि दुनिया इसके दीवाना हो जाता है तो यही बात है कि अगर हम लोगों ने लोगों को देना शुरू कर दिया लोगों को यानी चाहे कुछ भी हो और देने से जो ना बढ़ जाता है हर चीज़ देने से बढ़ जाता है तो ये तरीका है कि हम लोग अगर हम लोग इस चीज़ को यानी हमारी इस्लाम यही कहता है अगर हम लोग देना शुरू कर देंगे तो और बढ़ जाएगा अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आप देंगे तो मैं और देऊंगा कहते हैं कि इलम देने से बढ़ता है सिर्फ इलम नहीं बढ़ता है हर चीज़ बढ़ता है अगर आप पैसे दे दे पैसे बढ़ता है अगर आप इलम अगर आप देते हैं तो इलम आपका और बढ़ जाएगा आप और तरक्की कर लेंगे आप और चीज़ें सीख लेंगे अगर आप किसी को अच्छा मशूर दे, दे देंगे तो और आप आगे तरक्की कर लेंगे उस शख्स ने तो तरक्की करना है आप भी इसे ज़्यादा तरक्की कर लेंगे तो दुनिया में तो यही फार्मूला है और इस्लाम का भी यही फार्मूला है लेकिन हम लोग इस चीज़ को छोड़ कर हम कहते हैं नहीं हमारे पास चीज़ें आना चाहिए सब कुछ हमारे पास आ चाहिए चाहे पावर हो चाहे दुनिया हो चाहे दौलत हो चाहे कुछ भी हो इसी चीज़ ने सारे पूरे हमारे मुल्क को तबाह कर दिया तो ये कि हम लोगों को ये चीज़ करना चाहिए तो इसीलिए हम लोग फिर बरा नाम अब यहाँ क्या हम सिर्फ बराय नाम मुसलमान है सिर्फ नाम के मुसलमान है अंदर से कुछ भी नहीं है अंदर से पता नहीं क्या है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है तो ये कि हम लोग अपने रिश्तेदारों से मोड़ लेते हैं पैसे हमारे पास होते हैं अपने रिश्तेदारों को नहीं देते हमारे रिश्तेदार हमारे सामने मर रहे होते हैं हम नहीं देते नहीं हम कहते नहीं हमारे पास होना चाहिए फिर हम कहते हैं अल्लाह तला बख्श देंगे अल्लाह तला ऐसे शख्स को नहीं बख्शता है जो आपके सामान आपका आपका रिश्तेदार मर रहा है लेकिन आप उस पर पैसे खर्च नहीं करें और अपने पैसे बचा लें और आपके पास बहुत ज्यादा हो वो एक शख्स कहते हैं कि एक शख्स जितने भी परेजगार होगा जितने भी आबिद होगा जितने भी यानी यानी जो भी जितने भी कुछ भी आपको उसको कह सकते हैं एक शख्स जितना भी सखी होगा सब कुछ होगा अगर वो कहते हैं कि अगर आपके बस में किसी की मदद करना है और आप मदद ना करें तो आप आबिद हो सकते हैं आप परहेजगार हो सकते हैं आप सखी हो सकते हैं आप कुछ भी हो सकते हैं लेकिन आप नेक नहीं हो सकते जब बंदा नेक नहीं होगा फिर तो हिसाब होगा और हिसाब में पकड़ होगा हिसाब में पकड़ होगा क्योंकि अल्लाह ताला तो जारी बात है जब अल्लाह ताला ने हिसाब लेना है तो मकसद है कि अल्लाह ताला हिसाब तो बहुत मुश्किल है तो इसी वजह से यह हम लोगों को करना चाहिए कि इस मुल्क आसानियाँ तकसीम करना चाहिए लोगों के लिए आसानियाँ बनाना चाहिए लोगों के लिए तकलीफ़ नहीं बनाना चाहिए लोगों के लिए परेशानी नहीं बनानी चाहिए और लोगों को तकलीफ भी नहीं देना है और हमारे पास जितने भी होते हैं तो लोगों को भी दे दें कुछ ना कुछ दे दे क्या मसला है अगर आप देंगे तो अल्लाह ताला आपको और दे देंगे तो ये कि चाहे आपके पास कुछ भी हो इलम हो आसानी हो मशवरा हो आपके पास कुछ भी हो पैसे हो जिस शख्स के भी किसी चीज़ से फला हो सकते हैं उसको आसानी मिल सकते हैं आपके पास हो आप उसको बांटना शुरू कर दे आपको और दे देंगे तो ये आज की वीडियो नेक्स्ट टाइम शाला एक और अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने ज़रेंगे तब तो तक अपना ख्याल रखे मेरे वीडियोस फेसबुक पे तो आ रहे हैं यूट्यूब भी आ रहे हैं दोनों पर देखते रहे और जो कुछ आपके पास है जो कुछ आपके पास जो कुछ आ, आपको अल्लाह ताली ने दिया है अल्लाह ताली ने आप पे एहसान किया तो वो आपका सिर्फ नहीं है ये अल्ल त अमानत है और अल्लाह ताली का अमानत आप इसी तरह की इसमें उस अमानत में आप अल्लाह ताली के काम करें पैसे हैं तो वो भी अल्लाह ताली के हैं आप लोगों को दे दें अल्लाह ताली के नाम पर तो अल्लाह तौला खुश हो जाएगा आपके पास है आप काबिलत के हवाले से लोगों के साथ लोगों के मसाइल हल करें्ल आप इससे खुश होगा आपके पास कुछ भी हो अल्लाह ताली की तरफ से दिया हुआ है आप अल्लाह ताली के नाम पर दे दें इंशाल्लाह आप आगे तरक्की करेंगे तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए अलग पाकिस्तान